कोरोना काल में गंदगी का लगा अंबार, स्थानीय लोगों को सता रहा है संक्रमण का डर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सहरसा नगर परिषद का सारा कचरा उठाकर खुले में फेंका जा रहा है, और तो और सहरसा नगर परिषद के वाहन से सेफ्टी टैंक का गंदा पानी और मलबा भी जिले के शिवपुरी ढाला और सरवा ढाला के समीप फेंका जाता है। जहां एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को लेकर हर तरफ साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सहरसा में नगर परिषद द्वारा शिवपुरी ढाला के समीप और सहरसा सिमरी बख्तियारपुर मुख्य मार्ग के सरवा ढाला के पास खुले में कचरा फेंककर गंदगी फैलाया जा रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि जहां कचरा फेंका जा रहा है उस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। आते जाते लोग कचरे की बदबू से नाक बंद कर उधर से गुजरते हैं। बावजूद इसके नगर परिषद क्षेत्र का सारा कचरा उठाकर यहीं फेंका जाता है। जिला प्रशासन इस मामले से बेखबर बना हुआ है। जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत सुलिंदाबाद पंचायत के मुखिया मुजम्मिल आलम और पप्पू ने इस मामले में क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। देखिए, ये तो भारी समस्या है। पूरे शहर का गंदगी नगर परिषद द्वारा इस जगह फैला दिया गया है। देख सकते हैं अपना कैमरा घुमाकर। अभी देखिए, ये लेटरिन का गंदा पानी यहाँ बह रहा है। ये मुख्य सड़क है बख्तियारपुर सब डिवीजन को सहरसा सब डिवीजन से जोड़ने के लिए, और कम से कम 3-4 प्रखंड का लोग और सैकड़ों गांव के लोग का मुख्य सड़क है। ये महामारी फैला हुआ है पूरे विश्व में, और आज के समय में आदमी को सरकार चला रही है स्वच्छता अभियान, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन क्या यही स्वच्छता अभियान है कि दूसरे जगह का गंदगी ला करके एक जगह फैला दीजिए और सैकड़ों गांव में बीमारी फैला दीजिए। कचरा और गंदगी से परेशान शिवपुरी निवासी पंकज क्रांति, दीपक भगत, पप्पू परासर, अशोक अग्रवाल, हरिनंदन भगत, पप्पू यादव सहित अन्य ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इलाके में कचरा फेंकने से स्थानीय लोगों को संक्रमण का खतरा सता रहा है। वहीं आने जाने वाले लोगों को नाक व मुंह बंद कर यहां से गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके जिले के किसी भी अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। निजी जमीन छे ना, तो कोई आदमी बोल लीजिए भर देखा रहिए। भरने के क्रम में यहाँ कितना कचरा हो रही है आपको पता नहीं है? उससे हमको क्या मतलब है, अपना जाने का कंपनी ने हमको यहाँ बोला गया तो हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ बहुत सारा आरोप लग रहा है कि गंद हो रहा है, बदबू हो रहा है, ये सब बात तो आप जाके नगर परिषद में जाके बोलिए। आपको वहीं से दिया गया? हाँ। क्या नाम है आपका? शर्मा। प्रशासनिक उदासीनता के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को कचरे की सड़न और बदबू से आए दिन जूझना पड़ता है।